हे गाइस, तो तैयार हो? जुजुत्सु काइसन सीजन 2 एपिसोड 9 आ चुका है, एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत एक क्वेश्चन के साथ होती है, तुम्हारे लिए गोजो सातोरू कैसा है? यूजी बोलता है, मेरे टीचर, अगर गोजो सेंसेई ना होते तो मैं अब तक मारा जा चुका होता। और सीन कट होकर मेगुमी को दिखाया जाता है और मेगुमी बोलता है, उन्होंने मुझे बचाया है और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ मैं ही ऐसा सोचता हूँ। फिर हमें नोबारा को दिखाया जाता है और नोबारा बोलती है, टू बी ऑनेस्ट मैं उनको अच्छे से नहीं जानती, पर मैं गारंटी दे सकती हूँ कि वो एक असीन कट होकर माकी, पांडा और इनोमाकी को दिखाया जाता है और सब नोबारा की बात को कंप्लीट करते हैं। गोजो एक इडियट है, माकी बोलती है, पर फिर हमें नानामी को दिखाया जाता है। नानामी बोलता है, वो एक लापरवाह और खुद से काम करने वाला है। फिर हमें तोदो को दिखाया जाता है, तोदो बोलता है, क्या मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है? फिर हमें यूजी को दिखाया जाता है और यूजी बोलता है, सबसे ताकतवर। अब हमें गोजो को दिखाया जाता है जो अपने दोनों हाथों में ट्रांसफिगर्ड इंसानों के सर को पकड़कर जोर जोर से हांफ रहा था। दोस्तों, गोजो की ये हालत इसी एपिसोड में आगे दिखाई जाएगी और ये बस उससे पहले थोड़ा सा झलक था। अब असली एपिसोड शुरू होता है। गोजो हानामी से कहता है, ओए पेड़, ये हमारी तीसरी मुलाकात है ना, तूने मुझे डिसरेस्पेक्ट करने की कोशिश की, मैं तुम्हें मार कर ही ये शुरू करूंगा। गोजो उस ऊंची जगह से उतर कर बोलता है, तो फिर आओ, तुमने ही तो बोला था ना मुझे भाग जाने के लिए, अब क्या हुआ? फिर गोजो चलते चलते उन कर्सेस के बीच जाकर खड़ा हो जाता है। फिर जोगो और हानामी गोजो को पंच मारते हैं, लेकिन गोजो जोगो के हाथ को पकड़कर हानामी की किक को डॉज करता है, फिर जोगो की हाथ को उखाड़ देता है। अब हानामी उस पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन गोजो उसको एक जबरदस्त किक मारता है और जोगो को भी फेंक देता है। और किक खाते हुए हानामी सोच रहा था, उसकी नजर जोगो पर थी। हानामी किक खाकर स्टेशन के वॉल पर लैंड होता है और सोचता है, क्या ये उसकी ललकार कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक थी? वो अपनी लिमिटलेस कर्स टेक्निक को भी हटा चुका है। वो अपनी कर्स टेक्निक में कोई भी माइनर एडजस्टमेंट नहीं कर रहा। क्या वो अपनी कर्स एनर्जी को इस्तेमाल करके ही इस भारी क्राउड में फाइट करने के लिए प्लान कर रहा? अब हानामी अपने ब्रांचेस को निकाल कर बोलता है, तो फिर ऐसे में हमें क्राउड में ब्लेंड होने की जरूरत नहीं, हमें बस अपनी कर्स टेक्निक को इस्तेमाल करना है। और ये बोलकर वो अपना अटैक लॉन्च करता है और गोजो ये देखकर एक क्रेजी स्माइल करता है। तभी जोगो चिल्लाकर बोलता है, अपनी एम्प्लीफिकेशन टेक्निक को हटाओ मत, हानामी। तभी गोजो हानामी के ब्रांचेस को डॉज करते हुए उसके सर पर बैठ जाता है और बोलता है, मैंने सुना है ये तुम्हारे वीक स्पॉट है, और ये बोलकर उसके ब्रांच जैसी सींग को उखाड़ लेता है। फिर बोलता है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुम एक साथ एम्प्लीफिकेशन टेक्निक और इननेट टेक्निक को एक्टिवेट नहीं कर सकते। तभी जोगो बोलता है, अभी तक मैं सेफ हूँ क्योंकि एम्प्लीफिकेशन मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। वो पहले से ही अपने कर्स एनर्जी मैनिपुलेशन और फिजिकल टेक्निक में स्ट्रांग है। गोजो सातोरू, क्या कोई ऐसी भी चीज है जो तुम नहीं कर सकते? तभी गोजो पर चोजो ने हमला किया था और गोजो चोजो की तरफ देख कर सोचता है, ये कोई कर्स स्पिरिट नहीं लग रहा, ये शायद वो डेथ वेंटिंग होगी फिजिकल बॉडी में, ये अनोइंग है, लेकिन मैं उसको बाद में देखूंगा। तभी जोगो और हानामी गोजो पर अपने एम्प्लीफिकेशन टेक्निक इस्तेमाल करते हुए पंच मारते हैं। उनकी अटैक गोजो तक नहीं पहुंचती। गोजो बोलता है, क्या यह सही है? तुम जितना एम्प्लीफिकेशन टेक्निक इस्तेमाल करके मेरी टेक्निक को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करोगे, मैं उससे और पावरफुल टेक्निक यूज करके उसको मेंटेन करूंगा, और ये पेड़, इसके पास तो और स्ट्रेंथ ही नहीं बची है। अब गोजो क्रेजी स्माइल करते हुए हानामी की ओर बढ़ता है और उसको अपनी कर्स एनर्जी की प्रेशर से दीवार से चिपका देता है। तभी जोगो चिल्लाता है, गोजो मेरी तरफ देख, और लोगों की तरफ हाथ से आग का गोला बनाकर दिखाता है, लेकिन गोजो उसकी तरफ नहीं देखता। तो फिर जोगो रुक जाता है और गोजो इधर हानामी के चिथड़े उड़ा देता है। अब गोजो पीछे मुड़कर बोलता है, नेक्स्ट वन। अब वहां से सीन कट होता है और हमें इन कर्सेस की टोली को दिखाया जाता है, जहां गेतो बोल रहा था, प्रिजन रियल्म एक बैरियर है और अवतार है जेनसिन का, ऐसा कुछ भी नहीं जिसको प्रिजन रियल्म सील ना कर सके। तभी जोगो गेतो से बोलता है, पर कुछ तो कंडीशन होगा ना? गेतो बोलता है, प्रिजन रियल्म के गेट ओपन होने के बाद 4 मीटर रेडियस के दायरे में वो काम करेगा और उसी रेंज में गोजो सातोरू को हमें 1 मिनट तक रखना होगा। इसके बाद गेतो सबके साथ खेलने लगता है
बिना कुछ और बोले। तभी जोगो गुस्से में आ जाता है और गेतो को बोलता है, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें जला दूं? क्या तुम हमें मुसीबत में नहीं धकेल रहे हो जिसका कोई सलूशन नहीं है? क्या इसलिए तुम हमारे साथ टीम में काम कर रहे हो? उस चीज को इस कंडीशन में गोजो के सामने एक मिनट तक रखना, अगर हम 1000 इंसानी जिंदगी के साथ सौदा भी कर ले तब भी ये नामुमकिन सा है। तभी गेतो बोलता है, ये काफी गर्म है जोगो, मैंने तो बस एक मिनट ही कहा है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और जोगो गोजो से जान बचाकर भागता है। गोजो चलते हुए उसका पीछा कर रहा था और जोगो भीड़ में खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा था और गोजो के ऊपर इंसानों को फेंक रहा था। जोगो सोच रहा था, मैं हानामी की मौत को व्यर्थ जाने नहीं दूंगा, मुझे भीड़ में घुलना मिलना होगा और गोजो के ऊपर हमला करके फिर भीड़ में छुप जाना होगा। अब वो वैसा ही करता है, गोजो को एक किक मारकर भीड़ में दौड़ने लगता है और चोजो को बुलाता है। चोजो, अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो पहले मैं तुझे ही मार दूंगा। और चोजो भी तभी गोजो पर हमला करता है और गोजो सोचता है, ये हमेशा सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है और वो अभी अपने लिमिट के करीब होगा और जो लोग यहाँ कर्स स्पिरिट को नहीं देख सकते वो भी मुझसे डिस्टेंस बनाए हैं। अगर लोग ऐसे ही मुझसे दूरी बनाए रखे तो फिर मैं उस टकले यानी कि जोगो को पकड़ पाऊंगा। ऐसा लग रहा है मैं पहले की तरह उसकी एम्प्लीफिकेशन टेक्निक को हटाने के लिए ललचा नहीं सकता। अगर वो उस डेथ पेंटिंग के साथ कोऑपरेट करके क्राउड की तरफ हमला करे तो फिर एक बड़ी प्रॉब्लम होगी। सॉरी, मैं सबको बचा नहीं पाऊंगा पर मैं इन सबको एक्सरसाइज जरूर करूंगा। तभी सीन में जोगो को दिखाया जाता है जो भागते भागते सोच रहा था, क्या अभी तक 20 मिनट नहीं हुए हैं? तभी हमें गेतो को दिखाया जाता है जो बोल रहा था, अभी तो काफी जल्दी है, गोजो अभी भी रिलैक्स है, तुम्हें उसको थोड़ा टेंशन देना होगा। वहां से सीन शिफ्ट होकर हमें यूजी को दिखाया जाता है और यूजी उस लड़की के पास पहुंचकर वो ठीक है कि नहीं पूछता है। लड़की बोलती है, सभी मॉन्स्टर बन गए, मैं ट्रेन लेना चाहती थी पर उन्होंने कहा ट्रेन फूल हो गया है, तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो लड़की एक ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन बन जाती है और योजी समझ जाता है कि माही तो इधर था। तभी अनाउंसमेंट होता है कि वो ट्रेन शिबुया की तरफ जा रहा है और यूजी गोजो का नाम लेता है टेंशन में और उसी अनाउंसमेंट को गोजो और बाकी पब्लिक भी सुनती है। शिबुया में लोग सब खुश हो जाते हैं और तभी जोगो भी बोलता है फाइनली। पब्लिक में से एक आदमी खुश होकर सबको धक्का देकर ट्रेन के डोर के पास पहुंच जाता है। उसके अंदर से ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस निकलते हैं और वो मारा जाता है, जिसको देखकर वहां पे अफरा तफरी मच जाती है। गोजो बोलता है, वो लोग क्या सोच रहे हैं? तभी हमें माहितो को दिखाया जाता है जो खुश होकर उस ट्रेन से निकलता है और जोगो को बोलता है, यहाँ की हवा काफी अच्छी है क्योंकि इस हवा में डर मिला हुआ है। माहितो बोलता है, हमें कुछ लोगों को जिंदा रख लेना चाहिए ताकि मैं वीकेंड में उनका शिकार कर सकूं। तभी जोगो बोलता है, तो फिर क्या मैं उस जंगल को जला सकता हूँ? माहितो बोलता है, तुम्हें हानामी से डांट पड़ेगी। जोगो बोलता है, हानामी मर चुका है। माहितो थोड़ा चुप होकर बोलता है, क्या सच में? तभी चारों तरफ ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस आम लोगों पर हमला करते हैं और माहितो गोजो के ऊपर हमला करने जाता है और बोलता है, मैं तो सच में तुम्हें हिट नहीं कर सकता। गोजो उसकी तरफ देखकर सोचता है, ये पैच फेस वाला जिसके बारे में यूजी और नानामी बोल रहे थे। गोजो उसको पंच मारने की कोशिश करता लेकिन माहितो उसको डॉज कर लेता है और बोलता है, मैं तुम्हें इंसानों के एक घिनौनी बात बताऊं, वो ये है कि वो यहाँ बहुत हैं। ये बोलकर माहितो हानामी के ब्लॉक किए गए प्लेस को उंगली पॉइंट करता है और वहां से काफी सारे लोग नीचे गिरते हैं। गोजो पीछे घूमकर देखता है और सोचता है, वहां ऊपर कर्स यूजर या स्पिरिट्स हैं। तभी अचानक माहितो और चोजो अपना अटैक एक साथ करते हैं और गोजो के सामने खून की नदी बहा देते हैं लोगों की और ऊपर से जोगो भी गोजो के ऊपर अटैक करता है। गोजो उसका हाथ उखाड़ लेता है लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी माहितो सोचता है, मुझे पता है गोजो यूजी इतादोरी से काफी डिफरेंट है, वो एक कोल्ड हार्टेड बंदा है, उसको कुछ लोगों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर जैसे जैसे लोगों का मरना बढ़ेगा वो अपनी दिमागी बैलेंस खोएगा। जोगो सोचता है, अब तुम क्या करोगे? क्या तुम अपनी अनलिमिटेड पावर यूज करके सभी इंसानों को और हमें मार दोगे? सिर्फ यही रास्ता है जिससे डोमेन के बाहर के लोग बच पाएंगे, पर तुम ये कर नहीं पाओगे क्योंकि जो तुमने सोचा था, जो कैजुअलिटीज इंसानों की होगी वो सब कर्स स्पिरिट के द्वारा होगी, गोजो सातरु के द्वारा नहीं। सोचो और खो जाओ, जितना हो सकता है उतना फोकस करो। तभी सभी को शॉक करते हुए गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन करता है, रियोइक टेंकाई डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वॉइड, और इससे सभी लोग इंक्लूडिंग स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट्स ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस जो भी उसके डोमेन के अंदर थे सभी बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाते हैं, स्टन हो जाते हैं। गोजो उस भीड़ में तेजी से भागने लगता है
और सभी ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को मारने लगता है। शो के नैरेटर के द्वारा बताया जाता है कि गोजो ने सिर्फ 0.2 सेकेंड्स के लिए अपना डोमेन एक्सपेंशन किया था, जो इंसान और ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस के दिमाग में आधे साल का इन्फॉर्मेशन भर दिया। और जो आम लोग गोजो के इस डोमेन के चपेट में आए थे, वो 2 महीने बाद अपनी रेगुलर जिंदगी कंटिन्यू कर पाए। सातोरू गोजो ने ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को ही चुना क्योंकि स्पेशल ग्रेड कर्सेस जल्दी कॉन्शियस हो जाएंगे। अब गोजो सभी ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को मार देता है और नैरेटर बताता है, मॉडर्न टाइम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सॉर्सरर्स उस दिन हजारों की संख्या में ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को मार डाला, जो कि 5th फ्लोर अंडरग्राउंड में भेजे गए थे। अपना डोमेन हटाने के बाद 299 सेकेंड्स में ही गोजो ने उन सभी को नेस्तनाबूद कर दिया। अब गोजो को दिखाया जाता है जो कि हांफ रहा था और बाकी सब आम इंसान स्टन खड़े थे और ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस की लाशें बिछी पड़ी थी। तभी गोजो अपने सामने प्रिजन रियल्म को देखता है और गेतो बोलता है, प्रिजन रियल्म गेट ओपन, और वो ओपन हो जाता है। गोजो उसको देखता है और अपने पैर पीछे करने लगता है, लेकिन तभी उसको गेतो बुलाता है, बहुत दिन से नहीं मिले हो सातोरू, कैसे हो? गोजो उसको देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और सोचता है, क्या ये फेक है या कोई ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है? नहीं, ये तो वो ही है। फिर उसको गेतो के साथ बिताए गए वो सभी पल याद आने लगते हैं और हमें गेतो का एक पुराना डायलॉग सुनाया जाता है, जब वो कर्स स्पिरिट्स के साथ गेम खेल रहा था, मेरा मतलब था सातोरू गोजो का ब्रेन का 1 मिनट। और यहाँ प्रेजेंट में गोजो प्रिजन रियल्म के द्वारा जकड़ लिया जाता है। गेतो बोलता है, ये अच्छा नहीं है गोजो, तुम बैटल के बीच कैसे डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हो? गोजो सोचता है, मैं कर्स एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ और स्ट्रेंथ भी नहीं जुटा पा रहा हूँ। और गेतो से पूछता है, तो तुम कौन हो? गेतो बोलता है, मैं सुगुरु गेतो हूँ, क्या तुम मुझे भूल गए? ये कितनी दुख की बात है। गोजो बोलता है, तुम्हारी बॉडी और कर्स एनर्जी मेरे 6 आईज ने इंडिकेट किया कि तुम सुगुरु गेतो हो, पर मेरी आत्मा इसको मान नहीं रही। जल्दी बताओ कि तुम कौन हो? गेतो बोलता है, बकवास, और अपने माथे से वो धागा खींचकर खोल देता है और अपना असली रूप दिखाता है और बोलता है, ये इस तरह की टेक्निक है जिससे मैं किसी की बॉडी भी कब्जा सकता हूँ और उस बॉडी की कर्स टेक्निक को भी कर सकता हूँ। मैंने इंटेंशनली ये सिचुएशन को क्रिएट किया, और तभी तुमने सोको की हेल्प नहीं ली थी ना सुगुरु गेतो की बॉडी से छुटकारा पाने के लिए? तुम्हारा शुक्रिया जो मुझे ये बॉडी मिली, और चिंता मत करो, ये सील कभी ना कभी हट जाएगी, 100 साल या फिर 1000 सालों में। तुम काफी ताकतवर हो, तुम सिर्फ मेरे रास्ते का कांटा बनोगे। गोजो बोलता है, हाँ, क्या तुम्हें याद नहीं मेरे उस बॉडी को मारने से पहले किसने उस बॉडी का हाल बुरा किया था? गेतो बोलता है, युता ओकोत्सु, पर मुझे उस लड़के में कोई खासियत नहीं लगी। अनकंडीशनल टेक्निक इमिटेशन और इनफाइनाइट कर्स्ट एनर्जी दोनों ही उसके प्यार को रोक रखने का नतीजा है। गेतो के बात करते हुए माहितो को भी होश आ जाता है और गेतो अपनी बात को कंटिन्यू करके कहता है, युता ओकोत्सु तुम्हारी तरह नहीं बन सकता। गुड नाइट गोजो सातोरू, फिर मिलते हैं किसी न्यू वर्ल्ड में। वहां से सीन शिफ्ट होकर हमें यूजी को दिखाया जाता है, जो कि अचानक चिल्ला उठता है। मैमे उसे पूछती है, क्या हुआ? यूजी बोलता है, नहीं, मेरे कान। तभी यूजी के कान में लगे उस डिवाइस से आवाज आती है, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? यूजी, हमारे पास समय नहीं है, मैं सिर्फ एक बार कहूंगा, तो ध्यान से सुनो, गोजो सातोरू सील हो चुका है और ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो गाइस, ये एपिसोड आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताना। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।